तो हेलो दोस्तों, मैं आदेश मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैं आया हुआ हूं फिलहाल तो मध्य प्रदेश के अशोकनगर ज़िले के श्री आनंदपुर ट्रस्ट धाम में आया हुआ हूं। यहां के एक सुंदर बगीचे में हम लोग घूम रहे हैं और आपको भी दिखाएंगे कितना सुंदर बगीचा है। हम इस बगीचे का खुलने का समय तथा एवं इस का नाम बगीचे का क्या है वो हम आपको बताएंगे। इस बगीचे का नाम है आनंद मोती पार्क। खुलने का समय सुबह 8:30 से 12:30, शाम 2:30 से 5 बजे तक का है। अब आपको हम इसके अंदर घुस के दिखाएंगे इसके अंदर की खूबसूरती, कितना खूबसूरत है ये बगीचा, ताकि हम आप लोगों को दिखा सकें। बहुत ही खूबसूरत बगीचा है दोस्तों। मैंने अब आपको भी दिखाएंगे, चलते हैं अंदर। इस पर लिखा हुआ है फूल तोड़ना मना है, क्योंकि यहाँ कोई फूल नहीं तोड़ना है। एक साइड ये सीख फूलों से आप मुस्कुराना, पर तोड़ने को हाथ ना लगाना। बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी हुई है और एक लाइन ये भी लिखी हुई है, देखो कितनी सुंदर लाइन है, आप पढ़ लो। और यहाँ की खूबसूरत ये है यहाँ का फव्वारा, जो कि ठंडों की वजह से अभी बंद है, काफ़ी ठंड है यहाँ पर भी अभी फ़िलहाल तो। और हम अंदर के लिए चलते हैं और आगे को आपके लिए दिखाते हैं। और ये दूसरा फवारा यहाँ पे भी लगा हुआ है। और ये देखो, ये अभी मतलब बताया था ना आपको कि ठंड की वजह से चल नहीं रहा है, वो ठंड ज़्यादा है ना, तो इसलिए अभी चलाया नहीं है यहाँ पे। जब अभी तो कोई नहीं है फिलहाल, तो यहाँ पे जब लोग आते हैं तब ये चलता है फवारा, तब अच्छा भी लगता है चला देखते पे, अभी बहुत अच्छा लगता है ये। और यहाँ की देखो फूलों की खूबसूरती कितनी अच्छी लग रही है। देखो ये चला भी दिया, देख किसने चलाया, ये विनीत भाई ने चलाया ये वाला फवारा। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताएं। बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पे, बहुत ही पे हाथी भी लगा हुआ है। देखो देख सकते हैं आप, हाथी लगा हुआ है। और ये देखो बनी दवाई हाथी के सूंड से पानी निकल रहा है। देखो ये खुद ही अपने हाथ से ही चला देते हैं इसे, नहीं कुछ नहीं, टंकी लगी हुई है अंदर से एक और कुछ नहीं है इसमें क्यों भाई, सही बात है ना। अब ये सामने इस पार्क का नाम क्या है, इस पार्क का नाम आनंद मोती पार्क। इस पे देखो गेट पे लिखा हुआ है आनंद मोती पार्क। इसके अंदर के दिखाते हैं आपको क्या है। देखो अंदर इसमें अंदर है स्टार्टर लगा हुआ है, फुवारे का स्टार्टर जो अभी चलाया था वो ये राइट में है, और जो दूसरा फुवारा एक लगा हुआ है उसका स्टार्टर ये राइट वाले में, ये लेफ्ट में है। जो अभी आपको दिखाया नहीं फुवारा, हम वो भी दिखाएंगे आपको। यहाँ पे इसकी फुवारे की लाइट वगैरह के लिए हुई है, मोटर वगैरह चलाने के लिए। ये वो सामने दिख रहा है, ये दूसरा फुवारा है। एक शुरू में दिखाया था वो ये एक वो था, जिसमें इस पूरे बगीचे में 3 फुवारे हैं। देखो ये चल रहा है, चलाया अभी, बहुत ही खूबसूरत फुवारा है। क्यों भाई अच्छा है ना, भाई विकी भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ की खूबसूरती, कितनी अच्छी खूबसूरत से खूबसूरत फूल हैं, और माहौल बहुत शांत है अभी दोस्तों, बिल्कुल शांति है। आप आ सकते हो बड़े आराम से, बहुत ही शांति माहौल, कति शोर नहीं, शराबा नहीं, बहुत ही शांत माहौल है यहाँ का। यहाँ पे देखो कुछ, यहाँ पे भी दीवार पे कुछ लिखा हुआ, बहुत ही खूबसूरत दोहे लिखे हुए हैं जो कि पढ़ने से नहीं। और ये सामने रेड़ा खड़ा हुआ, रेड़ा इससे कि घास फूस वगैरह जो डालते हैं वो डालते हैं। सही रेड़ा है, ये विनीत को ढक्का मार रहा है, इसमें कितनी शैतानी कर रहा है। इस पर लिखा हुआ आनंद मोती बाग,
ये यहीं की रेड़ा है, ये इस पर डलवा दिया है क्योंकि हर जगह रेड़े हैं ना, तो इसलिए तभी डलवा दिया है नाम इसका बगीचे का। और आगे भी चलते हैं, दिखाते हैं इसने देखो फूल तोड़ लिया, उस पर लिखा हुआ था फूल तोड़ना सख्त मना है, और इसने गले में फूल तोड़ लिया। और दिखाते हैं आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, यहाँ घूमते पे भी आनंद आ रहा है यार। यहाँ पे कुछ सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं, देख सकते हैं दीवारों पे बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं। और यहाँ पे भी आपको दिखाते हैं, काफी बड़ा बगीचा है। इतना ही खूबसूरत फूल है दोस्तों, और ये चमेली का फूल है ना, चमेली का फूल है। देखो दोस्तों कितने काबिल, कितने मस्त फूल लग रहे हैं ये, बढ़िया। और देखो ये दोहा है, इस पे काफी दोहे लिखे हुए हैं, ऐसे ही जग झूठ है आतर कुत नित जान, सहो काल न खा सके ऐसो रूप पिछान। बहुत ही अच्छा दोहा लिखा हुआ है, दोहा पढ़ते पे भी आनंद आ रहा है। और भी दोहे लिखे हुए हैं, देखो एक ये लिखा है, सहजो भज हरि नाम को तजो जगत सुने, अपना तो कोई है नहीं अपनी सगी न दे। और भी बहुत खूबसूरत। तो दोस्तों आपको बगीचा कैसा लगा, तो हमारी वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसी ही वीडियो।